गुड इवनिंग एवरी वन वेलकम टू पीएससी वाला पीएससी वाला में आप सभी का स्वागत है मेरी आवाज क्लियर है गुड इवनिंग तो मेरी आवाज क्लियर है एक बार मेरी आवाज को आप लोग कंफर्म करके बताएंगे कि आवाज जो है वो क्लियर है तो सबसे पहले कंफर्म करके बताइए कि आवाज क्लियर है प्रणाम प्रणाम तो आवाज क्लियर है चलिए तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर वाले पोर्शन से ठीक है तो देखिए तो आपको पता है कि हम लोगों का जो पीएससी वाला की तरफ से अगर मैं बात करूं तो हम लोगों का मीन्स का कोर्स आपको यानी सिक्सटी एट बीपीएससी के लिए स कोर्स जो है वो आपको मुहैया कराया जा रहा है तो मेंस का कोर्स आपको मुहैया कराया जा रहा है वह भी कहां पर मुहैया कराया जा रहा है तो वाई पर यानी फ्री है वाई पर आपको यानी यूट्यूब पर आपको कोर्सेस मिलेंगे बेफिक्र होकर आप इस कोर्स को देख पाइएगा बिना किसी टेंशन के बिना किसी दिक्कत के बिना किसी परेशानी के ठीक है तीसरी जो इसमें महत्वपूर्ण बात है कि कल आपने देखा कि किस प्रकार से जो है वो पैटर्न रहेगा जिसमें मैंने आपको बताया कि एक जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और दो जो है वो आपसे कैसे पूछेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है वो पूछेंगे और उन दोनों में आपको दो दो विकल्प होंगे तो इस प्रकार से आपको तैयार होना है बीपीएससी का सामान्य तौर पर यह पैटर्न रहा है कि वह जो पूर्व में पूछे गए सवाल है उस पर ही फोकस करता है तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि पीछे पूछे गए सवाल पर ही बीपीएससी का फोकस सामान्य तौर पर होता है ठीक है तो उस पर तो हम बात करेंगे कि बीपीएससी किस प्रकार से सवाल पूछती है लेकिन देखो सबसे पहले तो हम टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे अगर हम टॉपिक को समझ लेंगे तो फिर मेरे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा कि हम उसमें क्या लिखें तो सबसे पहले जैसे देखो एग्रीकल्चर जो मैं आपको बताऊंगा तो आप जितने बुक्स देखते हैं ना उससे अलग तरीके से आपको एग्रीकल्चर पढ़ाने का प्रयास करूंगा तो जितना बुक्स आपको मिलता है चाहे वो आप मार्केट में जाते हो बड़े बड़े पब्लिक पब्लिकेशंस के बुक खरीदते हैं लेकिन उन सबको निचोड़ करके एक अलग मेथड से आपको मैं एग्रीकल्चर पढ़ाने का आज जो है वह प्रयास करूंगा ठीक है तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ समस्याओं को देखेंगे कुछ फैक्ट जो आप परीक्षा में लिख सकते हैं उसको भी समझेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर तो हम लोग को देखना ही है कि कैसे हम क्वेश्चन और आंसर लिखेंगे तो एक क्लास समझने पर और एक क्लास आंसर राइटिंग इस प्रकार से हम लोग चलेंगे तब हम लोग जो है वह बेहतर एक तरह से आप समझ सकते हैं कि तब हम लोग एक बेहतर आंसर की ओर अग्रसर होंगे और हमें एक अच्छा मार्क्स मिलेगा ठीक है अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें हम लिखें क्या किस प्रकार से बीपीएससी जो है वह सवाल आपसे पूछेगा यह भी आपके मन में डाउट होगा कि सवाल आएगा कैसे ठीक है तो देखो इस पर भी बात करते हैं सबसे पहले समझते हैं जो सबसे हमारा जो टॉपिक है इसको समझने का प्रयास करते हैं तो हम लोग समझेंगे क्या हम लोग समझेंगे एग्रीकल्चर के बारे में तो सबसे पहले देखेंगे कि कृषि एक्चुअली होता क्या है ठीक है जी ब्याह का मौसम है इतना आवाज आ रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है तो उस आवाज को ही दूर करने का कुछ प्रयास मैंने किया है ठीक है अब देखो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो इसमें हम एग्रीकल्चर में सबसे पहले जिसको हम कहते हैं कृषि तो इसको आप कॉपी में लिखते चलिएगा ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपको यहां पर आपको नोट्स तो दूंगा लेकिन क्लास में आपको बताऊंगा कैसे इसको लिखना है ठीक है तो सबसे पहले देखो कृषि होता क्या है अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर क्योंकि कभी भी कृषि से संबंधित कोई सवाल पूछेगा तो सबसे पहला आपको क्या करना है सबसे पहले आपको एग्रीकल्चर के बारे में पता होना चाहिए तो क्या है एग्रीकल्चर कृषि क्या है तो देखो एग्रीकल्चर इट इज अ इट इज अ प्राइमरी प्राइमरी एक्टिविटीज इट इज अ प्राइमरी एक्टिविटी यह एक प्राम आप कह सकते हैं प्राथमिक आर्थिक क्रिया है प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी एक है पैदावार फ्रूट वेजिटेबल्स फ्लावर्स रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स यानी कृषि एक प्राथमिक गतिविधि है जिसमें बढ़ती फसल यानी फसलों का उत्पादन फूल सब्जियों का उत्पादन पशु धन पालन इत्यादि शामिल है तो इसको लिख लो क्योंकि एग्रीकल्चर के क्वेश्चन में ना एग्रीकल्चर के क्वेश्चन में ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि हम एग्रीकल्चर का डिफिनेशन क्या लिखें क्योंकि सबसे पहले आपको इंट्रो वाले पार्ट में डेफिनेशन लिखना पड़ेगा और डेफिनेशन में यह आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे तो आप लिखेंगे इट इज़ द प्राइमरी एक्टिविटीज दैट इंक्लूड दैट इंक्लूड्स यह एक प्राथमिक मैं हिंदी में भी लिखूंगा दैट इंक्लूड्स व्हाट दे इंक्लूड्स एक्चुअली तो आप लिख सकते हैं ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स बी ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स सी ग्रोइंग ऑफ आप दुश्मी लिख सकते हैं फ्रूट एंड डी लिखेंगे वट डू मीन बाई डी में आप क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं डी में जैसे रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स ठीक है यानी अगर मैं बात करूं तो यहां पर थोड़ा सा समझिएगा यानी अगर मैं बात करता हूं आपसे तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कृषि एक प्राथमिक आर्थिक गतिविधि है प्राथमिक आर्थिक गतिविधि है गतिविधि है गतिविधि है जिसके अंतर्गत क्या आता है जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है ए फसलों का उत्पादन या फसलों का उ को उगाना बी पुल या फिर कह सकते हैं फल फूल कुछ भी फल सब्जियां इसको उगाना तीसरा पशुधन पालन पशुधन पालन यह क्या है यह तीनों जो है वह शामिल है वह यह तीनों शामिल है तो आप क्या कह सकते हैं कि कृषि एक प्राथमिक आर्थिक गतिविधि है जिसके अंतर्गत फसलों को उगाना फूल सब्जियों की पैदाई पशुधन पालन इत्यादि शामिल है ठीक है तो ये तो आप सबसे पहले एग्रीकल्चर में इस प्रकार की चीज़ों को समझेंगे दूसरी जैसे आप एग्रीकल्चर से कोई सवाल पूछे जब सवाल पर जाएंगे ना तो और अच्छे से क्लियर होगा लेकिन पहले उसको पढ़ लेते हैं दूसरे में आपको कुछ फैक्ट्स और फिगर्स भी आपको पता होने चाहिए जो आप परीक्षा में यूज कर सको और उसको हाईलाइट भी कर सको देखो कृषि जो टॉपिक है आज जब लास्ट क्लास में बिहार वाला बताएंगे तो वो बिहार के लिए हो जाएगा उसको छोड़ करके कृषि यूपीएससी हो यूपीपीसीएस हो बिहार पीसीएस हो सबके लिए भारतीय कृषि सेम है ठीक है तो इस बात को ध्यान रखना है लेकिन जब मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे आपको कुछ फैक्ट भी पता होने चाहिए जो फैक्ट आप परीक्षा में लिख सको अगर वो फैक्ट आप लिखोगे तो वो ज्यादा आपके आंसर को क्या करेगा प्रमाणित करेगा अब जैसे आपने लिख दिया कि किस कृषि में पैदा पैदावार जो है वो बढ़ रही है ये हो रहा है वो हो रहा है इससे अच्छा अगर आप कुछ लिखोगे जो फैक्ट होगा तो वो आपको अच्छा मार्क्स दिलाएगा तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट पर बात करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर बात करते हैं अब आप कहोगे कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या होंगे तो सबसे पहले यहां पर देखो इसमें आप लिख सकते हो सबसे पहले क्या क्या है देखो आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी जी ने आते ही कहा था कि वह फार्मर को के इनकम को डबल कर देंगे तो डबलिंग द फार्मर इनकम बाय 2022-23 ट्वेंटी टू 2015-16 टू ठीक है यानी मोदी जी ने कहा था क्या कहा था भाई डबलिंग द फार्मर्स इनकम यानी किसानों की आय को दुगना कर देंगे बाई 2022-23 मतलब 2022-23 में कर देंगे लेकिन किस का, कौन सी आय से जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरी आय दुगनी हो जाएगी तो आप कहोगे कि कब की आय से दुगनी हो जाएगी तो 2015 16 में अगर मैं 100 कमा रहा हूं तो 2022 23 में मैं 200 कमाऊंगा यानी कंपैरिजन मैं 2015 16 के इनकम से कर रहा हूं ठीक है कंपेयर टू कंपेयर टू 2015 16 ठीक है यानी अगर मैं कहूं अगर मैं हिंदी में लिखूं इसको तो मोदी जी का विजन है क्या है भाई कि किसानों की आय को किसानों की आय को 2022-23 तक तक दोगुना करना दोगुना करना 2015-16 दो के मुकाबले 2015-16 की तुलना में की तुलना में या मुकाबले जो भी लिखना है आप लिख सकते हो ठीक है तो यह फैक्ट अगर ध्यान रखोगे तो कहीं पर भी कृषि से संबंधित सवाल आ गया और उसकी सरकार की सोच से संबंधित कुछ सवाल आ गया क्योंकि देखो कृषि में 38 मार्क्स का जब सवाल पूछेगा तो आपको एक ब्रॉड आंसर लिखना पड़ेगा और जब मान लो कुछ ब्रॉड आंसर लिखोगे कि कृषि में क्या समस्याएं हैं कृषि की चुनौतियां क्या क्या हैं उसको आप दूर कैसे कर सकते हैं सरकार ने क्या कदम उठाए हैं सरकार की सोच क्या है तो फिर आप सरकार की सोच में सरकार ने क्या सोचा है इसमें अगर कोई फैक्ट देना हो तो आप इस फैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है याद रहेगा यह है आपका पहला फैक्ट दूसरा जो फैक्ट है वो आप ध्यान रख सकते हो यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है सतत विकास लक्ष्य जो हमें 2030 तक प्राप्त करना है तो उसमें जो गोल नंबर वन है कि गरीबी को पूरे तरीके से समाप्त करना है और गोल नंबर जो है गोल नंबर टू में भी फार्मर्स के इनकम को बढ़ाने की बात है और साथ ही साथ कृषि की उत्पादकता को भी बढ़ाने की बात है ठीक है ऐसे वैश्विक हंगल को भी मिटाने की बात है जो वैश्विक भूख है उसको भी समाप्त करने की बात है ठीक है तो ध्यान में रहेगा या नहीं रहेगा बिल्कुल चलो तो हम क्या कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि भाई जो दूसरा जो हम इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख सकते हैं वो क्या है दूसरा फैक्ट जो है वो यूएन जो एस डी जी है जिसको आप सतत विकास लक्ष्य कहते हैं उससे संबंधित है सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं तो इसमें जो यूएन एस डी जी वन है इसको लिख लेना ये सब ना कहीं मिलने उलने वाला नहीं है कि, कि किसी किताब में मिल जाएगा इस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से तो इसको लिख लो नोट में जीवन भर रहेगा दूसरा यूनाइटेड नेशन का जो एस डी जी टू है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टू है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वन में हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं कि गरीबी को पूरे तरीके से समाप्त करना है इंड पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स ठीक है तो यानी इसमें हम बात करते हैं कि पोवर्टी एंड की बात करते हैं यानी गरीबी समाप्त की बात करते हैं ठीक है तो यह भी इसी से संबंधित है फार्मर्स भी गरीब हो जाते हैं अगर उनके प्रॉपर उनको इनकम ना मिले तो हम इसमें गरीबी समाप्ति की बात कर रहे हैं दूसरा इसमें हम क्या बात करते हैं डबल यानी दोगुना करने की बात करते हैं डबलिंग डबलिंग एग्री प्रोडक्टिविटी यानी कृषि उत्पादकता को बढ़ाने की बात है एंड फार्मर्स इनकम एंड फार्मर्स इनकम यानी कृषि उत्पादकता को बढ़ाने की बात भी है और साथ ही साथ किसानों की आय को दोगुना करना भी हमारा लक्ष्य है ठीक है तो यह क्या है किसानों की आय किसानों की आय तथा तथा कृषि उत्पादकता कृषि उत्पादकता को दो गुना करना दो गुना करना और दोनों लक्ष्य हमें प्राप्त कब करने हैं प्यारे बच्चों दोनों लक्ष्य हमें प्राप्त कब करने हैं तो बाई टू थाउजेंड दो हजार तीस तक हमको यह दोनों लक्ष्य प्राप्त कर लेना है तो क्या यह आपको ध्यान में रहेगा ठीक है क्या ये ध्यान में रहेगा अब देखो यहां पर आप जैसे एग्रीकल्चर से सवाल आया तो एक तो आप इसमें इस तरह का फैक्ट डाल सकते हो और भी आपको फैक्ट बताऊंगा और भी कुछ कुछ फैक्ट बता रहा हूं एक आप इस तरह के फैक्ट डाल सकते हो एक आप डेफिनेशन भी डाल सकते हो ठीक है अब अगर मैं बात करूं कि भाई देखो वर्ल्ड बैंक के डेटा की बात करूं कि भाई जो भारतीय लोग हैं जो कृषि में संलिप्त हैं वो 2011 में 55 प्रतिशत थे और 2018 में वह 42 प्रतिशत हो गए हैं यानी जो किसान लोग हैं जो मतलब आप कह सकते हैं जो भारतीय किसान हैं यानी इंडियंस इन एग्रीकल्चर कृषि में भारतीयों की जो का जो परसेंटेज है वह भी जो है वो घट गया है ठीक है तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो इसके लिए आप इस प्रकार का एक ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हो और इस ग्राफ में आप बता सकते हो कि जो मान लो आपने ईयर दे दिया यहां पर मान लो कि आप दे रहे हो जीरो यहां पर अगर आपने दे दिया मान लो दो हजार ठीक है मान लो यहां पर आपने दो हजार दे दिया इस ग्राफ को बताते समय आपके लिए बेहतर होगा ठीक है और यहां पर मान लो आपने दे दिया दो और आपने दिखा दिया मान लो ये क्या है इसको आपने एक लंबे तरीके से ले लिया और फिर आपने इसमें दिखा दिया कि यह कैसा हो रहा है यह जो कॉन्ट्रीब्यूशन है यह पचपन प्रतिशत था कब मान लो ये पचपन है तो यह पचपन प्रतिशत था 2011 में ठीक है यह पचपन प्रतिशत था 2011 में और यह बयालीस प्रतिशत हो गया 2018 में तो इस प्रकार से चीजों को आप बता करके उसको बताने का प्रयास कर सकते हो तो इस प्रकार से चीजें आप बेहतर ढंग से बता सकते हो और आपके पास स्केल वगैरह होगा तो आप और भी बेहतर तरीके से उसको बता पाओगे ठीक है है कि जो परसेंटेज वो घट गया और यह जो डेटा है यह डेटा कौन दे रहा है वर्ल्ड बैंक ठीक है तो विश्व बैंक का यह डेटा है यह भी आपको ध्यान में रखना है तो कृषि में भारतीयों की भूमिका गिरी है ठीक है तो यह क्या है यह तो ईयर है नीचे में और यह जो है इधर ऊपर में क्या है कृषि में भारतीयों की भूमिका भारतीयों की भूमिका यानी अगर बात करूं और बेहतर ढंग से बात करूं तो क्या लिख सकते हैं इंडियंस इन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर तो क्या है घट रहा है 2011 से 2018 में यह घटा है तो इस प्रकार से आप कुछ चीजें यहां पर लिख सकते हैं ठीक है तो दूसरा फैक्ट आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो यह भी एक तरह से फैक्ट ही है ठीक है अब आपको सोचना यह पड़ेगा कि भाई जो फैक्ट है वो किस प्रकार कब कहां इस्तेमाल करना है तो जब आप दो तीन चार बार पढ़ेंगे ना तब आपको यह आइडिया लगेगा कि कोई फैक्ट का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर आप कैसे करेंगे ठीक है तभी आप जो है वो सोच भी पाएंगे ठीक है तीसरा क्या है कि ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर यानी अगर हम बात करें कि, कि एग्रीकल्चर की समृद्धि दर की बात करें तो एग्रीकल्चर का जो समृद्धि दर है ना वो ऐसा नहीं है कि खाली बढ़ा है वैसा भी नहीं है कि खाली घटा है ये बढ़ता घटता रहा है ठीक है तो जो ग्रोथ रेट है यह बढ़ता घटता रहा है तो आप इसको कह सकते हैं कि जिग जैग है ठीक है कैसा है जिग जैग है तो आप लिखोगे कि कृषि की समृद्धि दर कृषि की समृद्धि दर घटती बढ़ती रही है क्या लिखोगे कृषि की समृद्धि दर घटती बढ़ती रही है ठीक है यानी आप कह सकते हो जिग जैग है ठीक है इसको ध्यान में रखेंगे कि कृषि की समृद्धि दर घटती बढ़ती रही है आगे पीछे इसमें होता रहा है अब जैसे मैं इसको एक थोड़ा सा डेटा से आपको बताऊं तो 2019-20 में यह चार दशमलव तीन परसेंट था दो हजार में यह तीन दशमलव छह परसेंट हो गया और 2021-22 -20 में यह तीन दशमलव नौ परसेंट हो गया तो एक बार घटा और फिर बढ़ा ठीक है तो ऐसा हुआ ग्रोथ, ग्रोथ रेट ठीक है तो इस प्रकार से ग्रोथ रेट आपको देखने को मिलेगा तो ये जो है ये कब का है 2019-20 का ये 2020-21 -20 का और यह 2021-22 का ध्यान रहेगा ऐसे आप हल्का सा उसको फैक्ट के माध्यम से बता सकते हैं कि इसका जो है वह ग्रोथ रेट भी जिगजैग तरीके से मूव करता है ठीक तो ये भी बता सकते हैं तो कुछ फैक्ट आप इसका भी लिखेंगे जो एग्रीकल्चर से संबंधित होगा कुछ अलग से आंसर लिखेंगे तब ही जाकर आपको बेहतर मार्क्स मिलेगा नहीं तो आप अगर ये सोचेंगे कि हम नॉर्मल आंसर लिख करके जैसा सब लिखता है वैसा लिख करके हमको अच्छा नंबर मिल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है एग्रीकल्चर के पचासों किताब हैं पूरी व्याख्या सब किताब में आपको सेम ही मिलेगी ये वाला जो है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा आप कहीं से भी ढूंढिएगा ठीक है तो ये इतना लेटेस्ट आंकड़ा आपको कि वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है ये सब आपको वैसे भी नहीं मिलता है ठीक है तो ये ध्यान में रखना है कि यह जो पाथ है यह काफी जिगजैग है ठीक है और देखो जो भी 80 से ऊपर ला रहे हो सबको मेंस की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि फिर मेंस में समय आपको पता है चेयरमैन साहब देते-वते नहीं है ठीक है अब देखो अगर मैं बात करूं तो कुछ और फैक्ट की बात कर सकते हो ठीक है जैसे अगर हम एग्री प्रोडक्शन की बात करें जिसमें हम अपनी उपलब्धियों को दिखाना चाहते हो कभी इस प्रकार का सवाल आता है जिसमें हमको बताना होता है कि वेर वी आर डूइंग गुड इन एग्रीकल्चर ठीक है क्योंकि हम कृषि में क्या क्या बताते हैं तो देखो अगर मैं बात करता हूं तो जैसे मान लो कि इस पूरे गोल में आपने मान लो क्या ले लिया एग्रीकल्चर ले लिया मान लेते हैं तो इसमें आप सबसे पहले तो क्या बताने का प्रयास करते हैं कृषि क्या है ठीक है दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूं वह कृषि से संबंधित कुछ तथ्य है तथ्य जो है ना वो आपको सवाल के हिसाब से अलग अलग जगह यूज करना पड़ेगा इस बात को ध्यान रखिएगा अब जैसे मान लो कि मुझे कुछ कृषि में हमने बेहतर क्या किया यह आपको बताना है और आपने वहां पर फैक्ट डाल दिया कि हम ग्रोथ रेट में कम हो गए हैं ठीक है तो वो आपका फैक्ट जो है वो बेकार हो जाएगा ठीक है समझ रहे हैं आप बात तो आपको करना क्या पड़ेगा कि जो फैक्ट जहां इस्तेमाल होता है उस फैक्ट को वहीं डालना पड़ेगा और इसके लिए आंसर राइटिंग में मैं बताऊंगा कि आप किस फैक्ट को कहां डाल सकते हैं ठीक है तो वो धीरे धीरे आपके मस्तिष्क में डेवलप होता चला जाएगा जैसे जैसे आप आंसर लिखेंगे कि कहां किस फैक्ट को आपको डालना है ठीक है फिर जो तीसरी बात आएगी वो आएगी कृषि में कृषि में समस्या तो पहला हमने ये देख लिया है दूसरा हम ये देख रहे हैं तीसरा हम ये देखेंगे ठीक है अब जब समस्या देख लेंगे तो फिर कृषि में समस्या का निवारण इसको देखेंगे और इसी में हम लोग क्या देख लेंगे सरकारी प्रयास सरकार के कुछ प्रयास भी हम लोग देख लेंगे ठीक है तो ये जो है बड़ा टॉपिक है इसमें बहुत बातें सामने आएंगी नए 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 तरीके से बहुत ढेर सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी तो कुछ तथ्य और पर बात करते हैं ये वाला हम लोगों ने देख लिया है ठीक है ये हम लोगों ने देख लिया है अब हम देखने क्या वाले हैं अब हम देखने वाले हैं देख रहे हैं क्या हालांकि है देख रहे हैं हम ये वाला ठीक है ये हम लोगों ने देख लिया है अब हम सेकेंड नंबर को देख रहे हैं और उस सेकेंड नंबर में ही हमने कुछ कुछ फैक्ट आपको बताए जिसमें यह सेकेंड नंबर है इसको आप लिख लीजिएगा कि भाई दूसरा नंबर का हम सॉल्व कर रहे हैं ठीक है दूसरा नंबर में ए नंबर फैक्ट आपको ये बताया दूसरे नंबर में बी नंबर फैक्ट आपको ये बताया और दूसरे नंबर में ही सी नंबर फैक्ट आपका ये है दूसरे नंबर में ही डी नंबर फैक्ट आपका ये है और दूसरे नंबर में ही ई e नंबर जो फैक्ट है वो क्या है तो दूसरे नंबर का ई नंबर फैक्ट थोड़ा सा देखते हैं इसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं अगर हम बात करें तो भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत पहला मतलब सबसे हाईएस्ट मिल्क का प्रोड्यूसर है ठीक है पहला जो सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि भारत सबसे ज्यादा सबसे विश्व में मिल्क का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है ठीक है तो अगर हम बात करें तो इसमें फैक्ट में लिखेंगे कि भारत दुग्ध का दुग्ध का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है उत्पादन करता है तो आप कह सकते हैं कि वन बाई फिफ्थ ऑफ टोटल मिल्क सप्लाई पूरे मिल्क जो आपूर्ति है पूरे विश्व में उसका एक बटा पांच भाग भारत ही देता है ठीक है अगर हम कंपेयर किससे कर रहे हैं इसमें वर्ल्ड के मिल्क से हम पूरी बातें वैश्विक स्तर पर कर रहे हैं यह भी आपको ध्यान में रखना है ठीक है तो दुग्ध का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत करता है एक बटा चार जो है टोटल मिल्क सप्लाई का पूरे विश्व का भारत का है तो यह भी आपको ध्यान में रखना है इस फैक्ट से भी कहीं आप सवाल आपका हो जाएगा ठीक है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि मिल्क प्रोडक्शन में इन मिल्क प्रोडक्शन इंडियाज रैंक इज ठीक है मिल्क प्रोडक्शन में भारत का जो रैंक है वह पहला नंबर है ठीक है दूसरा अगर हम वेजिटेबल ऑयल की बात करें जिसको आप वनस्पति तेल कहते हैं भारत इसमें सबसे बड़ा इंपोर्टर है पूरे विश्व का भारत सबसे बड़ा आयातकर्ता माना जाता है तो दूसरा फैक्ट आप इसमें लिख सकते हो कि पूरे विश्व का वनस्पति तेल के मामले में वनस्पति तेल के मामले में ऐसे लिखो इसको वेजिटेबल ऑयल यानी वनस्पति तेल के मामले में मामले में भारत भारत विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा आयात करता है आयात करता है ठीक है यानी यानी वेजिटेबल ऑयल की बात करें तो वेजिटेबल ऑयल में इन वेजिटेबल ऑयल इंडिया इज लार्जेस्ट इंपोर्टर Importer इन द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड तो भारत जो है वह विश्व का सबसे लार्जेस्ट सबसे लार्जेस्ट क्या है वह इंपोर्टर है सब बातों को लिखते चलना है कॉपी में लिखते चलिएगा ठीक है अगर बात करें चीनी के बारे में तो चीनी में देखा जाए तो चीनी यानी सुगर के बारे में अगर बात करते हैं तो इंडिया सुगर वाले मामले में क्या है भारत दूसरा दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और पहला सबसे बड़ा कंज्यूमर है तो यानी जो इंडियाज रैंक है यानी भारत का जो रैंक है भारत की जो स्थिति है भारत का रैंक क्या है उत्पादन में उत्पादन में दूसरा और उपभोग में पहला उपभोग में पहला ठीक है उपभोग में यह पहला है उपभोग में यह पहला है यानी यानी प्रोडक्शन प्रोडक्शन में फर्स्ट है और कंज्यूमर में प्यारे बच्चों यह सेकंड है कंज्यूमर में प्यारे बच्चों यह सेकंड है तो इसको ध्यान में रखना है अगर हम फिशरीज की बात करें तो फिशरीज में यानी मत्स्य में भारत जो है वह दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक इसी में है ठीक है लगभग 25 मिलियन से ज़्यादा लोग इस फिशरीज सेक्टर में काम करते हैं इसको भी ध्यान में रख सकते हो कि लगभग 25 मिलियन से ज्यादा लोग मत्स्य वाले क्षेत्र में आधारित है तो कभी जैसे फिशरीज में अगर कोई सवाल पूछ दिया तो जैसे मान लो क्या होता है ना कि किसानों के आय के वैकल्पिक साधन में आप फिशरीज को उपाय के तौर पर बताते हो कि किसानों को मत्स्य पालन पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि कृषि क्या है एक मौसमी चीज है ठीक है कृषि हमेशा मौसमी रही है मौसम पर निर्भर करती है तो उस समय फिशरीज सेक्टर के बारे में बताते समय आप कुछ फिशरीज सेक्टर के फैक्ट को भी डाल सकते हो ठीक है तो ध्यान रखोगे चौथा पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं किससे संबंधित है चौथा पॉइंट जो है वो मत्स्यन से संबंधित है जिसको कहा जाता है फिशरीज इसमें अगर देखा जाए तो इंडिया जो है इंडिया का रैंक क्या है इंडियाज रैंक अगर हम देखते हैं यानी भारत का रैंक अगर देखते हैं तो इसमें आपको क्या दिखता है थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा इसमें जो आपका रैंक है इंडिया का वह दूसरा नंबर प्रोड्यूसर है दूसरा सेकंड नंबर ठीक है तो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इसको ध्यान में रखेंगे इसी से संबंधित एक फैक्ट और लिख सकते हैं कि मत्स्य क्षेत्र में लगभग 25 मिलियन से ज्यादा लोग कार्यरत हैं मिलियन से ज्यादा लोग ज्यादा लोग कार्यरत हैं कार्यरत हैं ठीक है पच्चीस मिलियन से ज्यादा लोग इसमें क्या हैं कार्यरत हैं तो पच्चीस मिलियन से ज्यादा लोग कार्यरत हैं तो इसमें क्या लिख सकते हो इनफिशरी सेक्टर इन फिशरी सेक्टर मोर देन ट्वेंटी फाइव मिलियंस पीपल आर वर्किंग आर वर्किंग मोर देन ट्वेंटी फाइव मिलियंस पीपल आर वर्किंग तो फिशरीज क्षेत्र में पच्चीस मिलियन से ज्यादा लोग कार्य कर रहे हैं ठीक है क्लियर है पच्चीस मिलियन से ज्यादा लोग कार्य कर रहे हैं फिशरीज सेक्टर में याद रहेगा ठीक है कह रहा है कि इंग्लिश में नहीं है ये फारसी है ये सब फारसी लिखा हुआ है।, है स्लाइड पढ़ के जीवन चल जाएगा नहीं जीवन भर स्लाइड ही पढ़ो फिर ये सब फारसी लिखा हुआ ये क्या लिखा हुआ ये सब हिंदी अंग्रेजी हिंदी अंग्रेजी सब में लिखा है तो ये फारसी है फारसी भाषा है ये ये अशोक क्या बोलते हैं उसको सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा लग रही है तो ये मत्स्यन क्षेत्र के बारे में आपने लिख दिया अगर हम बात करें जैसे आ, एक, मतलब इंडिया जो है एक्सपोर्ट से लगभग चालीस हजार प्लस जो इनकम है वो मत्स्य क्षेत्र से वो पाता है एक्सपोर्ट करके तो एक्सपोर्ट करके इंडिया जो है वो रुपीज फोर्टी थाउजेंड प्लस करोड़ क्या पाता है फोर्टी थाउजेंड करोड़ मतलब चालीस हजार करोड़ से भी ज्यादा जो है वह मत्स्य क्षेत्र में भारत निर्यात करके पाता है तो इस क्षेत्र को भी आप लिख सकते हो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखो ये फैक्ट अगर जितना अच्छा होगा ना उससे आपको उतना फायदा होगा मत्स्य क्षेत्र में निर्यात अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट इन फिशियरी सेक्टर लगभग चालीस हजार करोड़ से ज्यादा भारत करोड़ रूप जो है से ज्यादा का निर्यात करता है का निर्यात से आए प्राप्ति चालीस हजार करोड़ से ज्यादा यानी एक्सपोर्ट इन फिशरी सेक्टर अगर हम बात करें तो लगभग फोर्टी थाउजेंड करोड़ प्लस इनकम है चालीस हजार करोड़ से ज्यादा इनकम है ठीक है यह ध्यान में आपको रखना है तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट लाइन था वो आपने पढ़ लिया तो हमने अगर हम एग्रीकल्चर में देखें तो हमने आपको यहां पर जो खाका दिया है उस खाके में हमने क्या क्या पढ़ लिया है उस एक खाके में हमने जो है वह क्या है देख लिया और हमने कुछ तथ्य देख लिए यानी ये भी देख लिया और कुछ ये भी देख लिए। अब हम कृषि में जो समस्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअली कृषि में कौन सी समस्या है जो वर्तमान में विद्यमान है तो अब एक बात बताओ अगर हम कृषि में कुछ समस्या की आपसे बात करें तो आप क्या क्या समस्या बोल सकते हो मान लो जैसे एक उदाहरण स्वरूप आपसे पूछ रहा हूं मान लो आप कहां गए आप गए कृषि करने तो इस कृषि करते समय आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा तो स्टार्टिंग फ्रॉम द लैंड लैंड से इसको स्टार्ट करो और फिर सोचो कि आपको कौन कौन सी समस्या सामना करनी पड़ेगी तो सबसे पहला समस्या क्या है मान लो एक समस्या यह हो सकता है जिस समस्या का नाम है लैंड से जुड़ी समस्या यानी भूमि का आकार तो कृषि अगर आप करने गए हैं और आपकी भूमि काफी छोटी है तो फिर कृषि से आपको उतना आय नहीं मिलेगा तो एक समस्या आपको लैंड से संबंधित है एक समस्या ऐसे ही अलग अलग जो समस्याएं हैं वो आपको सोचना पड़ेगा तो कृषि क्षेत्र में इनपुट्स क्या क्या हैं इनपुट सोच लीजिए यानी आगत यानी जरूरी क्या क्या है जब आप कृषि करने जाएंगे तो सबसे पहला है लैंड ठीक है दूसरे में मान लो मान लेते हैं कि बीज बीज भी एक समस्या है उच्च जो गुणवत्ता वाली बीज सीड्स तीसरी अगर मैं मानूं तो क्या है वाटर भी एक समस्या है सिंचाई भी एक समस्या है तो इसी प्रकार से कृषि क्षेत्र में कौन कौन सी समस्या है इस पर हम सबसे पहले बात करेंगे ठीक है और कृषि क्षेत्र में समस्या और उसके सरकारी प्रयास को भी देखते हुए चलेंगे तो समझने का प्रयास करना है कि कौन कौन सी समस्या है समस्या कैसे समझ में आएगी जैसे कौन कौन से इसके आगत हैं तो पहला आगत है लैंड वाला ऐसे नहीं ये रैंडम नहीं कि फर्टिलाइजर लैंड ये वो ऐसे नहीं एक एक क्लबिंग में लेकर चलो लैंड है फिर वाटर है फिर सीड्स है मार्केटिंग बहुत बड़ी समस्या है तो इसी तरीके से हम समस्याओं पर धीरे धीरे चलेंगे तो सबसे पहली समस्या कृषि में हम क्या लेकर चलते हैं भूमि से संबंधित अब पहले समस्या नहीं लिखेंगे पहले लिखेंगे कि लैंड की आवश्यकता क्यों है फिर बताएंगे समस्या क्या है और फिर बताएंगे कि उसको दूर कैसे करने के प्रयास कौन कौन से हुए और कितना दूर तक यह मामला सफल रहा है सरकारी स्कीम्स अगर कोई होगी तो उसको भी इसमें बता देंगे तो कृषि के इनपुट के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं ठीक है ध्यान दे रहे हैं कृषि के इनपुट के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं ठीक है चलो क्लियर है तो कर सकते हैं इस पर बात आप लोगों को भी कुछ समझ में आएगा तो सबसे पहली जो समस्या है वो हम क्या कर सकते हैं सबसे पहली समस्या भूमि की समस्या जो सबसे बड़ी समस्याओं में से भी एक है तो यानी भूमि की समस्या तो लिखो तीसरा जो हेडिंग है आपका क्या है कृषि समस्या तो यानी कृषि आप इनपुट लिखो और आगत यानी एग्रीकल्चर इनपुट्स। इसी में हम सबकी बात करेंगे एग्रीकल्चर इनपुट एक पुराना ग्रंथ टाइप का जैसे इम्तियाज अहमद सर लिखे हुए हैं उस तरीके से नंबर लिखोगे ना तो ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा पॉइंट वाइज लिखते चलो आपको मार्क्स मिलता चलेगा तो सबसे पहले आपको लिखना है इसमें सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैंड भूमि अब आपको सोचना पड़ेगा कुछ भूमि संबंधी हमें आवश्यक क्यों है तो खेती करने के लिए तो यह आवश्यक है ठीक है अब अगर हम थोड़े पूरे वैश्विक अगर पैटर्न में देखें तो इंडिया जो है वो सत्रह प्रतिशत से ज्यादा विश्व के पॉपुलेशन को अपने पास रखे हुए है लेकिन हमारे पास पूरे विश्व का मात्र ढाई परसेंट लैंड ही है यानी एक घर है घर में मान लो रूम है दस बाई दस का कमरा छोटा है और लोग रहते हैं एक हजार इस प्रकार की सिचुएशन है ठीक है तो आप यह लिख सकते हो कि भारत में भारत में पूरे विश्व का पूरे विश्व का सत्रह प्रतिशत भारत में पूरे विश्व की सत्रह प्रतिशत जनसंख्या पूरे विश्व की सत्रह प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है जबकि पूरे विश्व अगर हम पूरे पूरे ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो भारत के पास जमीन काफी कम है तो जबकि पूरे विश्व की दो दशमलव पांच प्रतिशत जमीन ही भारत के पास है तो इंडिया एकाउंट्स फॉर सेवेंटी परसेंट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडिया फॉर दिन ऑफ द वर्ल्ड यानी जो भारत है वह सत्रह प्रतिशत पूरे विश्व के सत्रह प्रतिशत भारत में जनसंख्या निवास करती है लेकिन अगर मैं बात करूं तो भारत में भारत के पास जो जमीन है वह दो दशमलव पांच प्रतिशत ही है ढाई तो प्रतिशत जमीन जो है वह भारत के पास है क्लियर है समझ पा रहे हैं क्लियर है चलो तो आप इसको लिख सकते हो ठीक है चलो तो इसमें इस बात को लिख लो तो इंडिया एकाउंट्स फॉर मोर देन सेवेंटीन परसेंट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इवेन अगर बात करें तो टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द लैंड ऑफ द वर्ल्ड इंडिया अकाउंट ठीक है तो बट अकाउंट ओनली टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द लैंड ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड ठीक है पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द लैंड ऑफ द वर्ल्ड क्लियर है समझ गए आसान है ठीक है तो एग्रीकल्चर में लैंड की भूमिका क्या है तो उसी पर कंटिन्यू कर रहे हैं इसी वाले पर ठीक है ए वाले पर जो लैंड हम पढ़ रहे हैं ना उसी पर कंटिन्यू कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर इज अ लैंड बेस्ड एक्टिविटी क्या है कृषि जो है वह कृषि जो है वह भूमि आधारित क्रिया है कृषि भूमि आधारित क्रिया है यानी बिना लैंड का तो कोई उपाय है भी नहीं साइज ऑफ द लैंड उसका डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी से फार्मर के इनकम से ठीक है लैंड को ऑनरशिप करना ये सोशल रिस्पेक्ट की भी बात आती है ठीक है तो सोशल रिस्पेक्ट इतना भूमि है अरे तो पूरा हमरे है ऐसा कहते हैं ना तो पूरा हमारा ही है तो उस लैंड को कैरी करना लैंड ऑनरशिप ऑल्सो सर्व एज अ सोशल वैल्यू उसका अपना सामाजिक मूल्य भी है ठीक है तो दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है या फिर साइज ऑफ द लैंड पर डिपेंड करती है ठीक है तो साइज ऑफ द लैंड यानी भूमि की आकार भूमि का आकार भूमि का आकार प्रत्यक्ष तौर पर उत्पादकता उत्पादकता तथा तो भूमि का आकार प्रत्यक्ष तौर पर उत्पादकता तथा किसानों की आय को प्रभावित करता है किसानों की आय को प्रभावित करता है ठीक है यानी यानी साइज ऑफ द लैंड साइज ऑफ द लैंड इज डायरेक्टली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप कह सकते हैं विल इज डायरेक्टली विल डायरेक्टली इंपैक्ट आप कह सकते हैं में डायरेक्टली इंपैक्ट, इंपैक्ट, द productivity and and farmers income farmers income में impact the farmers income तो प्रत्यक्ष तौर पर यह क्या प्रभावित करता है साइज जो होता है ना भूमि का आकार यह इसका सीधा लेना देना उत्पादन उत्पादकता और किसानों की आय से है ठीक है तो लैंड में हम यहां पर बता रहे हैं कि लैंड की उपयोगिता क्या है उपयोगिता यानी यूजेस क्या है ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं जैसे मान लो कि कृषि में भूमि का कुछ यूज भी तो होगा ना तो उसमें भूमि का यूज है कृषि पर ही भूमि पर ही कृषि आधारित है ये आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं फिर दूसरा मैं बताऊंगा कि इसमें अगर समस्या मतलब कृषि में भी समस्या क्योंकि कृषि इसी पर निर्भर है तो इसमें अगर समस्या है तो यानी कृषि में समस्या है फिर आपको बताऊंगा इसके उपाय क्या क्या किए जा रहे हैं ठीक है समझ गए आप अब देखिए इसके अलावा अगर लिखेंगे तो लैंड ऑल्सो सर्ब एज सोशल वैल्यू तो सामाजिक प्रतिष्ठा भूमि सामाजिक प्रतिष्ठा के तौर पर भी के तौर पर भी जरूरी है तो लैंड का इस्तेमाल तो हम सामाजिक आप कह सकते हैं कि सामाजिक उसकी जो प्रतिष्ठा है कि अरे भैया हमारे पास तो इतना लैंड है इस प्रकार से भी आप भूमि की लैंड को या फिर भूमि को समझ सकते हैं, ठीक है क्लियर है समझ रहे हैं? है चलो अब अगला क्या होगा यह तो चलो लैंड जो है वो बेहतर क्यों है अब आ जाते हैं लैंड में समस्या क्या है और वह कृषि की भी एक समस्या है लैंड में जो समस्या होगी वह कृषि की भी एक समस्या होगी तो लैंड में समस्या क्या है सबसे पहली समस्या अब उसके पास मान लेते हैं कि दस हेक्टेयर लैंड था ठीक है तो तो उसके उसके पास हेक्टेयर का लैंड है मान लो, अब पांच बेटे हो गए, तो कितना कितना बट गया दो दो अब मान लो इस दो वाले के पांच बेटे हो गए तो कितना हो जाएगा दो बटा पांच दो बटा पांच दो बटा पांच दो बटा पांच मान लो इसके भी पांच हो गए तो दो बटा पचीस ऐसे बट्टा चला जाएगा तो क्या है इसके कारण भूमि का आकार क्या होगा छोटा होगा और अभी आपको क्या बताया कि भूमि के आकार का सीधा संबंध किससे है उत्पादकता से अब आपके पास भूमि का साइजे नहीं होगा तो आप उत्पादन कहां से करिएगा तो राइजिंग पॉपुलेशन ये एक बहुत बड़ी समस्या है उसके बाद फ्रेगमेंटेशन लैंड यानी भूमि जोत का विखंडन है ठीक है जिसको आप कहते हैं फ्रेगमेंटेड है अब कभी कभी क्या होता है देखिएगा अब सोचो ना इस पांचों भाई में बट गया पहले एक दस हेक्टेयर का लैंड था अब छोटा छोटा दो दो हेक्टेयर हो गया उसके पांचों भाई में बट गया तो और छोटा 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 छोटा, -छोटा लैंड हो गया तो ये फ्रेगमेंटेड हो गया लैंड जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या होगा जो उत्तराधिकारी होंगे उनके उनको जमीन बांटी जाएगी और जमीन जैसे ही बांटी जाएगी वैसे ही भूमि जो है वह फ्रेगमेंटेड हो जाएगी ठीक है तो इससे बहुत बड़ी समस्या जो है वह उत्पन्न होती है तो साइज ही छोटा हो जाता है उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण समस्या है कि अगर मान लो साइज छोटा हो गया भूमि का देखो भूमि के साइज छोटा होने की प्रक्रिया है कैसे कैसे है इसको समझना है तो सबसे पहले हम चुनौती लिख रहे हैं ठीक है तो चुनौती में देखो कैसे कैसे होता है इसको समझो चैलेंजेस में पहला जो है वो क्या है राइजिंग पॉपुलेशन यानी जनसंख्या का बढ़ना सब एक दूसरे से लिंक है बढ़ती जनसंख्या ठीक है सब एक दूसरे से लिंक्ड है बढ़ती जनसंख्या तो सब एक दूसरे से जो है ना वो लिंक्ड है ये समझना है ठीक है तो बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती जाए तो हिंदी में लिखी दी अब देखो इसमें क्या है दूसरा थोड़ा सा समझो इसमें जैसे ही होगा वैसे ही क्या होगा सोशल यानी डिवीजन ऑफ द लैंड डिवीजन ऑफ द लैंड एमोंग हायर्स मतलब उत्तराधिकारों उत्तराधिकारियों के बीच भूमि का विभाजन उत्तराधिकारियों के बीच मतलब किसान का बेटा उसका बेटा इनके बीच भूमि का विभाजन अब सोचो कि समस्या क्या है चलो भाई विभाजित कर दिए अब विभाजन अगर आपने कर दिया तो लैंड कैसा हो गया लैंड जो है वो फ्रैगमेंटेड हो गया यानी विखंडित हो गया फ्रैगमेंटेड हो गया यानी जोत जो है या भूमि जो है वह विखंडित हो गई चौथा अगर भूमि विखंडित हो गई है अगर भूमि विखंडित हो गई है तो समस्या क्या होगा कि स्मॉल साइज जो लैंड होता है इसमें आप अब सोचो कि इतना छोटा आपके पास लैंड है अगर आपने मान लो किसी से ट्रैक्टर मंगवाया ठीक है तो वो उसका तो खर्च तो उतना ही है ना वो आपसे रेंट उतना ही लेगा अगर आपके पास बड़ा भूमि भी रहेगा और छोटा भूमि भी रहेगा तो क्या होगा वो तो आपसे रेंट जो है वो उतना ही लेगा सबसे पहले तो रेंट भी उतना ही लेगा और साथ ही साथ क्योंकि उसका डीजल उतना ही लगना है ठीक है साथ ही साथ आप छोटे जो लैंड है उसमें जो मशीन्स है उसका प्रयोग कर भी नहीं सकेंगे तो स्मॉल साइज लैंड में जो फार्म मशीनरी है उसका यूज भी नहीं हो पाएगा ठीक है लैंड

कृषि यंत्रों का भी प्रयोग नहीं हो पाएगा प्रयोग नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो कृषि यंत्र का भी प्रयोग जो है वह आप नहीं कर पाएंगे यानी छोटी जोत में कृषि यंत्रों का भी प्रयोग बेहतर नहीं है ठीक है क्योंकि आप इसको कर ही नहीं पाएंगे ये एक अपने आप में ही क्या है एक बहुत बड़ी समस्या है क्या हो गया इतना लड़ाई का है भैया ठीक है तो इसको समझना है दूसरा इसमें क्या है अब इससे अब जब यंत्र का ही प्रयोग नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियसली इससे इस क्या हो जाएगा अगला क्या हो जाएगा लेस प्रोडक्टिविटी लेस प्रोडक्टिविटी लेस प्रोडक्टिविटी कम उत्पादकता कम उत्पादकता कम उत्पादकता लेस प्रोडक्टिविटी उत्पादकता ही क्या हो जाएगी कम हो जाएगी समझना है ठीक है अब देखो अगर देखा जाए तो इससे काफी जो है वो समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा क्योंकि यह जो लैंड फ्रेगमेंटेशन है इसने एक बड़ी चुनौती को जन्म दे दिया है जैसे क्या है कि एवरेज साइज ऑफ अ फार्म क्या हो गया है जो पहले 0.725 हेक्टेयर होता था जो एवरेज साइज लैंड का वह 2019 में 2003 में 0.725 हेक्टेयर होता था वह 2019 में 0.51 हेक्टेयर हो गया है यानी जमीन का खंडन जैसे-जैसे आप करते जा रहे हैं जैसे-जैसे आप उसको छोटा करते जा रहे हैं जो औसत आकार वह भी काफी कम होता चला जा रहा है ठीक है तो इस फैक्ट को भी अगर आपकी इच्छा है तो लिख सकते हैं ड्यू टू लैंड फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन एवरेज लैंड होल्डिंग साइज एवरेज लैंड होल्डिंग साइज इज अ डिक्रीजिंग इज अ डिक्रीजिंग यानी भूमि विखंडन के कारण जो औसत ज्योत आकार कम होता चला जा रहा है कम होता चला जा रहा है ठीक है इसमें आप लिख सकते हो उदाहरण स्वरूप या फिर फैक्ट के तौर पर इसमें आप लिख सकते हो कि पॉइंट सेवन टू फाइव हेक्टेयर था कब 2003 में एवरेज लैंड होल्डिंग साइज यानी जो औसत जोत जो आकार है वह पॉइंट सेवन टू फाइव हेक्टेयर था 2003 में वह घट करके पॉइंट फाइव वन हो गया है 2019 में 0.51 हेक्टेयर ठीक है कुछ समझ में आ रहा है तो ये जो है एक समस्या है इसमें एक आप फैक्ट यह भी लिख सकते हैं कि लगभग कितना नंबर था ये छठा नंबर लगभग 86 परसेंट किसान ऐसे हैं जिनके पास दो हेक्टेयर या फिर उससे कम भूमि है दो हेक्टेयर या फिर उससे कम भूमि अब देखिएगा अगर हम बात करें तो जैसे हम कहते हैं कि स्मॉल मीडियम और लार्ज फार्मर्स ठीक है तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं तो स्मॉल एंड मार्जिनल जो होते हैं वह पॉइंट जीरो जीरो टू से दो हेक्टेयर तक होते हैं तो थोड़ा सा एक फैक्ट यहां पर भी ध्यान देंगे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ये पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो भी मैं बता रहा हूं ना वो पीटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है तो क्या है कि जो लघु एवं सीमांत जोते या सीमांत किसान किसको कहते हैं आप किसान किसको कहते हैं जिनके पास कितना है जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू हेक्टेयर से दो हेक्टेयर लैंड है उनको आप लघु या फिर सीमांत किसान के तौर पर जानते हैं जिनको आप मीडियम या फिर मध्यम किसान कहते हैं जिनको आप मीडियम या फिर मध्यम किसान कहते हैं तो मीडियम जो फार्मर्स हैं या फिर लैंड होल्डर्स हैं वो क्या है मध्यम वाले जो है वो क्या है दो हेक्टेयर से लेकर दस हेक्टेयर तक दो हेक्टेयर से लेकर दस हेक्टेयर तक और जिसको आप बड़े यानी लार्ज किसान कहते हैं लार्ज जो भूमि आकार है वह कितना है वह जो है वो दिस दस हेक्टेयर से ज्यादा दस हेक्टेयर से आप इसको ज्यादा लिख सकते हैं ग्रेटर देन टेन हेक्टेयर तो सिंबल इस्तेमाल कर लीजिए ग्रेटर देन टेन हेक्टेयर तो बड़े किसान दस हेक्टेयर से ज्यादा ठीक है इसको आप लिख सकते हो अगला क्या है एक और फैक्ट आपको बताया इसी में कि 86 परसेंट ऑफ द फार्मर्स विंग लैंड होल्डिंग साइज ऑफ टू हेक्टेयर और लेस देन टू हेक्टेयर छियासी प्रतिशत किसान के पास छियासी प्रतिशत किसानों के पास छियासी प्रतिशत किसानों के पास दो या फिर दो हेक्टेयर से कम भूमि है कम भूमि है तो ये जितनी बातें थी यह कृषि में भूमि संबंधी समस्या थी तो भूमि संबंधी जो समस्या है वह यहां से स्टार्ट हुई और आप सात समस्याओं को लिख चुके हैं ठीक है तो आप इन सातों समस्याओं को एरो के माध्यम से भी दिखा सकते हैं परीक्षा में अगर केवल और केवल भूमि संबंधी समस्या आ गया तब तो आप सातों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे लेकिन कृषि की समस्या आ गई तब उसमें एक समस्या है भूमि संबंधित समस्या और उसमें आप लिखेंगे कि कृषि में एक समस्या भूमि संबंधित समस्या है जिसके कारण क्या हो रहा है बढ़ती जनसंख्या के कारण भूमि का विभाजन या विखंडन हो रहा है एवरेज लैंड होल्ड जो साइजिंग है वो कम हो रही है मशीनों का प्रयोग हम नहीं कर पाते हैं उत्पादकता हमारी कम होती है किसानों की आय भी कम हो जाती है तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे और फिर ऐसे ही आप इसको लिख सकते हैं ठीक है इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हैं तो देखिए कुछ कुछ डेटा जो है ना उसको जरूर ही जरूर आपको ध्यान में रखना है ठीक है तो ये जो है आपने क्या क्या देख लिया आपने जो है भूमि संबंधी जरूर आवश्यकता क्यों है यह देख लिया इसकी समस्या क्या है यह देख लिया अब जो है हम हल पर चलेंगे यानी निवारण यानी हमारा तीसरा खंड निवारण जो है वह बचा हुआ है इसका पीडीएफ चाहिए क्या आप लोगों को किसको किसको पीडीएफ चाहिए एक बार हाथ उठाओ ऐसे पीडीएफ तो सबको चाहिए होगा पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब छोटोगे खेलोगे कूदोगे हो, गे गे, खेलो गे, गे, हो गे तो देखो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स जो छोटे और जो सीमांत किसान है जिनके पास एवरेज लैंड होल्ड साइजिंग साइज जो है वो पॉइंट जीरो जीरो टू से टू हेक्टेयर तक है उनके लिए क्या उपाय किया जा सकता है तो उनको इनकरेज किया जा सकता है कि आप विनिर्माण क्षेत्र में जाए और दूसरा उपाय है कि भूमि का एकत्रीकरण किया जा सकता है यानी लैंड कॉन्सोलिडेशन अब क्या है मान लो मेरा एक भूमि यहां है एक भूमि दस ब्लॉक आगे है अब क्या है आप सोचो यहां मान लो एक व्यक्ति है इसका नाम क्या है राम और एक व्यक्ति है श्याम मान लो ये ए ब्लॉक है एक उदाहरण दे रहा हूं जेड ब्लॉक में या फिर जेड मत जाओ एम ब्लॉक में राम और श्याम की फिर से भूमि है अब क्या करो कि श्याम को कहो कि भैया राम वाली जो भूमि यहां वाली है ना ये तुम ले लो और यहां पर तुम राम को पूरा दे दो तो क्या होगा राम के पास भी एक जगह पूरी भूमि आ जाएगी और श्याम के पास भी एक जगह पूरी भूमि आ जाएगी जिसको आप कहते हैं अदला बदली ठीक है अदला बदली कर लो ठीक है तो कहने का मतलब है कि एक तो एक अच्छा उपाय है लैंड कॉन्सोलिडेशन का भूमि एकत्रीकरण भी जो है एक अच्छा उपाय है ठीक है भूमि एकत्रीकरण चलो तो भूमि एकत्रीकरण अब उपाय में हम क्या क्या लिखेंगे इस पर बात करते हैं उपाय या फिर हम सॉल्यूशन में क्या क्या लिखने वाले हैं तो पहला उपाय क्या होगा सबसे फर्स्ट जो उपाय है इसको सबसे पहले समझते हैं तो पहला उपाय है कि जो लघु और जो सीमांत किसान हैं उनको यह प्रोत्साहित प्रोत्साहन दिया जाए कि वह विनिर्माण या फिर सेवा क्षेत्र को चुन लें ठीक है तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स शुड बी इनकरेस्ट सुड बी इनकरेस्ट टू ज्वाइन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सर्विस सेक्टर तो लघु एवं सीमांत किसानों को लघु एवं सीमांत किसानों को प्रोत्साहित आप कह सकते हैं सेवा क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र से से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ठीक है तो यह एक बहुत बढ़िया उपाय है दूसरा उपाय है लैंड कॉन्सोलीन भूमि एकत्रीकरण थोड़ा साइज बड़ा हो जाएगा इससे ठीक है दूसरा उपाय क्या है दूसरा उपाय है प्यारे बच्चों दूसरा उपाय है भूमि एकत्रीकरण जिसको आप कहते हैं लैंड कॉन्सोलीन लैंड कॉन्सोलिडेशन तो दूसरा उपाय है भूमि एकत्रीकरण भूमि एकत्रीकरण याद होगा ठीक है इसके अलावा लैंड रिफॉर्म भी सरकार ने लैंड रिफॉर्म भी सरकार लेकर आई थी ठीक है आपको पता है ये तो हमने सॉल्यूशन दे दिया एक लैंड रिफॉर्म का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा ठीक है तो लैंड रिफॉर्म भी सरकार लेकर आई थी इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए तो लैंड रिफॉर्म्स भी सरकार लेकर आई है ठीक है तो लिख दो तीसरा लैंड रिफॉर्म यानी भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म पे अलग से भी सवाल यूपी में बिहार में पूछा जा सकता है भूमि सुधार अब आपके मन में होगा कि सर भूमि सुधार के बारे में मेरे को पता नहीं है आप हालांकि बोल रहे हैं कि भूमि सुधार लेकिन हम जानते नहीं है भूमि सुधार क्या होता है तो इसमें सबसे पहले याद कर लो एक तो है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन बिनो भावे का जो भूदान मूवमेंट था ठीक है उसमें क्या है वो बड़े बड़े जिनके पास ज्यादा जमीन थे उनसे वो दान मांगकर लैंडलेस लोगों को देते थे जिनके पास भूमि नहीं होती थी तो विनोबा भावे का भू दान आंदोलन तीसरा जो है लैंड होल्डिंग जिसको आप कह रहे हैं उसकी साइज को अप सील कर देना मतलब सीलिंग ऑफ द लैंड होल्डिंग्स कहने का मतलब है कि आप एक इससे ज्यादा लैंड को होल्ड नहीं कर सकते हैं ठीक है साथ ही साथ जो जोतदार किसान होते हैं वैसे किसान जो मान लो मेरा जमीन है और कोई दूसरा जोत रहा है या फिर जो किसान श्रमिक है लेबरर है उन किसानों के लिए बेहतर लॉज यानी कानून का भी जो है वो कानून भी बनाया गया ठीक है तो भूमि सुधार के अंतर्गत हमने चार चीजों को अपनाया है याद रखेंगे कभी अलग से भी सवाल भूमि सुधार पर आपसे पूछ सकता है तो याद रखेंगे कौन कौन सी है जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन व्यवस्था का उन्मूलन जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन यानी एबोल्यूशन ऑफ एबोल्यूशन ऑफ प्यारे बच्चों एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम जमींदारी सिस्टम एबॉल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम दूसरा क्या है विनोवा भावे का भूदान आंदोलन तो विनोवा भावे का भूदान आंदोलन विनोवा भावे का भूदान आंदोलन क्या है प्यारे बच्चों ये यानी तो भूदान मूवमेंट ऑफ विनोभा भावे ठीक है विनोबा भावे याद रहेगा विनोबा भावे तीसरा प्यारे बच्चों क्या है इसमें क्या करने का प्रयास किया गया तो भूमि की या फिर ज्योत की अधिकतम आकार यानी सीलिंग ऑन द लैंड होल्डिंग्स सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स यानी हमने जोत पर एक सीलिंग लगा दी ठीक है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग इससे ज्यादा कोई व्यक्ति लैंड जो है वो रख ही नहीं सकता अब मान लो कि हमने बोला कि फॉर एन एग्जाम्पल पांच हेक्टेयर आपकी सीलिंग होगी और आप कोई दस हेक्टेयर या बीस हेक्टेयर रखा है तो उसको बाद बाकी हेक्टेयर देना पड़ेगा और सरकार फिर उसको गरीबों को दे देगी तो ये क्या है यह है सीलिंग ऑफ द लैंड होल्डिंग ठीक है देखिए बिहार वाला जो अब जो सेंस है ना उस पर बात करेंगे पहले इंडिया वाले कॉन्टेक्स्ट पर बात कर रहे हैं बिहार पे सीधा कैसे आ जाए ठीक है इसके अलावा और क्या किया गया तो जो लैंड रिकॉर्ड है इसको मॉडर्नाइज करने का प्रयास किया गया ठीक है तो इसके अलावा क्या किया गया लैंड रिकॉर्ड को यानी भूमि आंकड़ों को भूमि संबंधी आंकड़ों को आंकड़ों को का आधुनिकीकरण आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स प्यारे बच्चों मॉडर्नाइजेशन ऑफ ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्यारे बच्चों लैंड रिकॉर्ड्स ठीक है यह भी किस में आया तो यह भी भूमि सुधार के अंदर है ठीक है तो ये सब जो चीजें हो रही हैं ये क्या हो रहा है कृषि से जो सम... कृषि में जो जमीन संबंधित समस्या है उसके निवारण के लिए की गई तो अगर कभी लैंड रिफॉर्म आप वैसे लिख देना और एक दो उदाहरण दे देना लेकिन कभी लैंड रिफॉर्म पे अगर सवाल आ गया तब फिर इन सभी बातों को आपको खोल कर लिखना पड़ेगा ठीक है इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पांचवी जो समस्या पांचवा जो इसमें सुधार हुआ वो क्या था लॉज यानी जो जोतदार किसान हैं जो श्रमिक है किसान में उसके लिए किसान के लिए कानूनी प्रावधान के के हितों के लिए लिख सकते हैं के हितों के लिए क्या संरक्षण के लिए के लिए के हितों के लिए के हितों के लिए, के हितो के लिए? कानूनी प्रावधान ठीक है यानी इसको आप लिख सकते हैं किस प्रकार से तो लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टीनेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टीनेंट लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टीनेंट टीनेंट्स का मतलब होता है जो जोतदार किसान होते हैं उनको हम टीनेंट्स कहते हैं ठीक है ये आप लिख सकते हैं इसके अलावा भूमि सुधार में क्या हुआ एक तो लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन हो गया उसके बाद फॉरेस्ट राइट एक्ट वन अधिकार अधिनियम 2006 ठीक है अब जो जो भी आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट राइट जो एक्ट है उसमें जो जंगलों पर जो निर्भर जो जातियां होती थी उन लोगों को जो जंगल पर निर्भर है मान लो जंगल पर जो लकड़ी है छोटे छोटे जो वन उत्पाद है उनको क्या है उनको भी भूमि संबंधी अधिकार दिए गए ठीक है उनको भी भूमि में ऑनरशिप दिया गया तो अगला पॉइंट आप लिख सकते हो एफ नंबर वन अधिकार अधिनियम 2006 वन अधिकार अधिनियम 2006 यानी यानी फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 तो प्यारे बच्चों फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 देखो ये सब में ना जैसे देखो हम बात किसकी समस्या पर कर रहे हैं एक ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि सर इसमें भी दो तीन पॉइंट लिखना पड़ेगा क्या तो नहीं लिखना पड़ेगा इसलिए नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि हम समस्या किसकी लिख रहे हैं जैसे मान लो मेरे बारे में समस्या लिख रहे हो और मान लो लिख दिए कि यहां पर एक टेबल टेबल लगा है ये समस्या है ठीक है यह समस्या ठीक अब इस टेबल के बारे में थोड़े लिखने लगोगे तो फिर मेरे बारे में भूल जाओगे लिखना तो आप क्या कर सकते हो आप जो है कृषि में भूमि संबंधी समस्या सबसे पहले हमने कृषि में समस्या को कैटेगराइज करना है तो उसमें सबसे पहले हमने इनपुट लिया भूमि का भूमि की उपयोगिता बताई भूमि से संबंधित कुछ आंकड़े बताए फिर भूमि से संबंधित समस्याएं बताए फिर भूमि से संबंधित कुछ उपाय बताए उन उपायों में यह उपाय शामिल है तो जो जो ब्लू से लिखा हुआ है वही आप परीक्षा में लिख देना रेड वाला तब लिखना जैसे मान लो लैंड रिफॉर्म अगर आपसे कोई सवाल सीधा पूछ लिया तब फिर आप इन सब चीजों को लिख देना या फिर अगर एमसीक्यूज में पूछ दिया कि सरकार ने किसानों के, के लिए भूमि सुधार किया इस भूमि सुधार के अंतर्गत सरकार ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए उसमें कोई अगर ऑप्शन दे दिया तो आप मार देना ठीक है इस प्रकार से इस प्रकार से यूपीएससी में सवाल पूछा जाता है तो ऐसे कर सकते हैं अगर जैसे लैंड रिफॉर्म तो सरकार ने लैंड रिफॉर्म किया एक उपाय आपने दे दिया इसमें हो सकता है आप एक दो उदाहरण दे दो मेंस में लिखते समय कि सरकार ने जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन किया और भूमि की अधिकतम जो आकार है उसको भी किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए निर्धारित कर दी बस हो गया दो उदाहरण दे दिए इस प्रकार से आप लिखेंगे ठीक है हर चीज को जैसे मान लो मैंने जैसे आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि भाई इस रूम में समस्या क्या है वरुण सर के साथ क्या समस्या तो आप कहोगे लाइट चली जाती है तो अब लाइट के बारे में थोड़े लिखने लगोगे कि लाइट इज ये वेव वो वेव, वेव ऐसा थोड़े लिखोगे अब लाइट की समस्या थोड़े लिखोगे मेरी समस्या लिख रहे हो तो मेरी तक ही केंद्रित रहो ना ठीक है प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है ठीक है तो आपका यहां पर क्या हो गया समाप्त लैंड जो है वो समाप्त हो गया ठीक है लैंड वाली समस्या जो है वो समाप्त हो गई यानी लैंड से संबंधित सभी समस्याएं आपकी हो गई ठीक है तो देखो किसी आंसर को लिखने के दो तरीके होते हैं थोड़ी सी बात कर रहे हैं ठीक है एक तरीका तो ये है कि आप कैसे लिखो जैसे कृषि में समस्या लिख दिया तो पहला समस्या लिख दिया भूमि से संबंधित समस्या उसमें बता दिया चार्ट के माध्यम से भी बता सकते हो कि राइजिंग पॉपुलेशन जनसंख्या का बढ़ना उसके उपरांत क्या होगा उसके उपरांत भूमि के जो भूमि का विभाजन उत्तराधिकारियों के बीच उसके बाद आप लिख सकते हो लैंड फ्रेगमेंटेशन यानी भूमि का विखंडन उसके बाद आप लिख सकते हो कि कृषि यंत्रों का प्रयोग असंभव

उन्हें दूर करने हेतु सुझाव दें ठीक है तो अब यहां पर क्या है आपके पास आंसर लिखने के दो तरीके हो सकते हैं मैं बता रहा हूं साथ ही भारतीय कृषि हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। प्रमुख कार्यक्रमों की भी चर्चा करें तो ये दूसरा पार्ट तो उस पर तो हम लोग आएंगे ठीक है इस दूसरे पार्ट पर तो हम लोग आएंगे लेकिन जैसा इसने पूछा कि वर्तमान में भारतीय कृषि में जो समस्याएं हैं इस पर प्रकाश डालते हुए उसका निवारण भी बताना है तो सबसे पहले आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं कृषि ठीक है उसके बाद दूसरा जो मैंने आपको तथ्य बताए हैं कुछ उसमें से कुछ तथ्य आप लिख दीजिए जो भी आपको अच्छा लगता है ढेर सारे तथ्य बताए हैं सेकंड पॉइंट में तीसरा में आपके पास उपाय है कि समस्या आपने लिखा तो समस्या लिखते समय दो तरीके से लिखा जा सकता है एक तरीका यह है कि समस्या उसी के नीचे समाधान ठीक है जैसे मान लो भूमि की समस्या और उसको कैसे ठीक किया गया समाधान दूसरा तरीका यह है कि आप पूरी समस्या को लिख दो समस्या वन समस्या टू समस्या थ्री ऐसे लिख दो और फिर अगले वाले में जैसे जब समस्या पूरी खत्म हो जाए तो फिर उस समस्या का समाधान लिख दो हल वन हल दो हल तीन अब यहां पर यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो यहां समस्या लिखे हो उसी का यहां हल देना पहला पॉइंट में ठीक है पहले समस्या लिख दिए फिर हल लिख रहे हैं मान लो समस्या लिखे भूमि संबंधित पहला पॉइंट में तो हल का भी जो पहला पॉइंट होगा ना उसमें भी भूमि संबंधी हल ही बताना पड़ेगा यह नहीं कि समस्या लिख रहे हो भूमि संबंधी और हल बता दिए फर्टिलाइजर संबंधी ऐसा नहीं है ये भी क्रमबद्धता में होनी चाहिए इस वाले में तो झमेला ही नहीं है समस्या बताओगे उसी के नीचे समाधान लिखोगे समस्या समाधान समस्या समाधान समस्या समाधान तो भूमि संबंधी समस्या भूमि संबंधी समाधान पानी संबंधी समस्या बीज संबंधी समस्या बीज संबंधी समाधान तो ये तो ऊपर नीचे ही लिखाएगा, तो इसमें तो याद रहेगा लेकिन यहां पर याद रखना कि जो समस्या लिख रहे हो ना उसी का हल लिखोगे ठीक है कि समस्या का एक लिस्ट दे दिया दस समस्या तो हल बताते समय भी दसों की लिस्टिंग करनी पड़ेगी क्रमवार तरीके से जैसे समस्या में लिखा है ठीक है क्लियर है ठीक है तो मैं जो तरीका आपको बता रहा हूं वो कौन सा वाला तरीका है ये वाला मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं ये वाला है आप क्या कर सकते हो आप समस्या समस्या लिख लो उसी को नोट को क्योंकि दोनों समस्या दोनों तरीका तो मैं बता भी नहीं पाऊंगा कोई एक ही तरीका बता पाऊंगा ना तो पहले समस्या 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 लिख लो और फिर तुम समाधान 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 लिख लो ऐसा भी कर सकते हो ठीक है किसी को कोई दिक्कत हो रही है क्या सेशन में अभी कह रहे हैं कि एक हजार लौटाइए देख लो क्लियर है तो यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर होगा तो एक जो हमने उपाय लिखना था वो हमने लिख दिया क्या लिखा हमने एक जो है वो लिख दिया लैंड या फिर भूमि तो दूसरा जो है वो क्या है दूसरा जो है वो लिख लो सीड यानी बीज यह या भी क्या है एक कृषि आगत ही है मतलब कृषि के लिए जरूरी होता है भूमि बीज ठीक है अब देखो कृषि के लिए बीज की आवश्यकता क्यों है क्योंकि हम लोग सब में पहले आवश्यकता लिख रहे हैं फिर क्या लिख रहे हैं फिर लिख रहे हैं उसकी समस्याएं फिर समाधान तो कृषि में बीज की आवश्यकता क्यों है क्योंकि आपको पता है कि भारत की में सत्रह प्रतिशत आबादी है पूरे विश्व की लेकिन ढाई प्रतिशत ही हमारे पास लैंड है तो हम लैंड को तो बढ़ा नहीं सकते अब ये थोड़े कि भूमि बढ़ा लेंगे जो बिल्डिंग बन गया उसको तोड़ दो यहां पर खेती करेंगे ऐसा नहीं है तो एरिया अंडर कल्टिवेशन वी कैन नॉट इंक्रीज इट मतलब एनॉर्मसली ड्रास्टिकली वी कैन नॉट इंक्रीज अचानक से हम अचानक से एरिया नहीं बढ़ा पाएंगे जहां पर हमको फसलों का पैदावार करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा हमको जो है वो उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी उत्पादकता मतलब कम क्षेत्र में ज्यादा उत्पादन करना पड़ेगा ठीक है उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी बीज की ठीक है और फॉर बेस्ट क्या होता है फॉर बेस्ट यील्ड यानी जिसको आप कृषि उत्पादकता कहते हैं यील्ड के लिए आपको अच्छे या फिर उच्चतम गुणवत्ता वाले बीज आपको चाहिए होंगे ठीक है और इसके लिए ही जो है वो हमको सबसे पहले कुछ चीजें करनी पड़ेगी ठीक है चलो तो दूसरी जो बातें हैं ये हम लोग किससे संबंधित सीखते हैं दूसरी जो बातें हैं वो हम लिख रहे हैं सीड से संबंधित दूसरी जो बातें हैं ये हम लोग लिखेंगे सीड से संबंधित यानी बीज क्या है थोड़ा सा समझते हैं देखो लिखो कि भारत में कृषि क्षेत्र को अचानक से बहुत नहीं बढ़ाया जा सकता बहुत नहीं बढ़ाया जा सकता बच्चों हम कृषि क्षेत्र को बहुत नहीं बढ़ा सकते अतः अतः हमें उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान देना होगा बढ़ाने पर ध्यान देना होगा जिसके लिए हमें उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान देना होगा जिसके लिए उच्चतम उच्च, उच्च गुणवत्ता वाले बीज की आवश्यकता पड़ेगी गुणवत्ता वाले बीज की आवश्यकता पड़ेगी बीज की आवश्यकता पड़ेगी ठीक है यानी इसको लिखोगे कैसे अंग्रेजी में लिखना होगा तो इन इंडिया वी कैन नॉट इंक्रीज एरिया अंडर कल्टिवेशन ड्रेस्टिकली एरिया अंडर कल्टिवेशन ड्रेस्टिकली ड्रेस्टिकली हम ड्रेस्टिकली एरिया को बढ़ाव नहीं सकते ठीक है दैट्स फॉर दैट या फिर दैट्स वाई सो वी नीड हाई प्रोडक्टिविटी एंड हाई क्वालिटी बीज एंड हाई क्वालिटी बीज सीड्स सीड्स इज एसेंशियल फॉर द सेम फॉर द सेम हाई क्वालिटी जो बीज है या सीड्स है यह हमें आवश्यक है ठीक है एक हजार का लॉस क्या हो गया है भैया सबको आप लोगों को अचानक से चलो ये समझ गए अब इसके लिए हमको क्या चाहिए तो बीज की आवश्यकता क्यों है यह आप बेहतर ढंग से समझ गए हैं अब सोचिए कि बीज में समस्या क्या क्या है ठीक है तो बीज में सबसे पहली समस्या तो अब देखो इसमें लिखो बीज में समस्या यानी में प्रॉब्लम्स क्योंकि हम लोग वैसे ही बताते चल रहे हैं उपयोगिता समस्या और फिर निवारण ठीक है तो पहला है कि देखो एक तो बीज होता है जिसको आप कहते हैं हाइब्रिड बीज ठीक है हाइब्रिड आपको पता है दो चीजों को ले लिया जो जो बेस्ट क्वालिटी था उसको लेकर के आपने क्या करा दिया फ्यूज करा दिया और एक हाइब्रिड बीज बना लिया ठीक तो है तो हाइब्रिड जो सीड्स होते हैं वो हाइब्रिड सीड्स को हर साल आपको बदलना पड़ता है ठीक है पहला नॉन हाइब्रिड जो बीड होते हैं उनको हर तीन साल पर बदलना पड़ता है ठीक है लेकिन यहां यह समस्या है कि जो नए सीड्स हैं, अब आपको हर साल बदलना है तो नए सीड्स जो होते हैं वो एफर्डेबल नहीं होते यानी वहनीय नहीं होते और साथ ही साथ यह महंगे होते हैं और साथ ही साथ यह सभी फार्मर्स को मिल भी नहीं पाते फार्मर्स वहां तक पहुंच ही नहीं पाते दूर दूर पर ये मिलेंगे और वहनीय नहीं है तो फार्मर्स वहां तक पहुंच ही नहीं पाते तो सबसे बड़ी जो समस्या है कि उच्च उत्पादकता के लिए उच्च उत्पादकता के लिए क्या चाहिए के लिए हाइब्रिड बीज हाइब्रिड बीज की आवश्यकता है आवश्यकता है जिसको हर साल बदलना पड़ता है बदलना पड़ता है मतलब रिप्लेस करना पड़ता है ठीक है चेंज करना पड़ता है मतलब बदलना पड़ता है रिप्लेस करना पड़ता है अब रिप्लेस की हिंदी क्या है जो भी आप बताइए बदलना मतलब रिप्लेस करना पड़ता है तो आप यहां लिख सकते हो फॉर हाई इल्ड हाई इल्ड हाइब्रिड बीज हाइब्रिड सीड्स आर रिक्वायर्ड आर रिक्वायर्ड उनको बद उनके हाइब्रिड सीड्स की आवश्यकता है एंड इट मस्ट बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर एंड इट मस्ट बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर इसको हर साल बदलना पड़ता है हर साल इसको बदलना पड़ता है ठीक है तो एक समस्या है अपने आप में जिसके कारण बी नंबर पॉइंट नए बीज किसानों के लिए वहनीय नहीं है मतलब खरीद नहीं पाते हैं के लिए अफोर्डेबल नहीं है वहनीय नहीं है वहनीय नहीं है पहला तो न्यू सीड्स आर नॉट अफोर्डेबल न्यू सीड्स आर नॉट अफोर्डेबल दूसरा सभी किसानों के लिए उपलब्ध नहीं है सब किसान तक उसकी पहुंच नहीं है के लिए उपलब्ध भी नहीं है उपलब्ध भी नहीं है ठीक है तो ये है समस्या तो जरूरी क्यों है समस्या क्यों है ये दोनों आपने देख लिया ठीक है अब हम ये देखते हैं कि इसका उपाय क्या क्या किया गया तो इसका उपाय क्या क्या किया गया सबसे पहले पहला कॉन्सेप्ट सरकार लेकर आई कि ये जो नए सीड्स हैं ये सब की को मिल नहीं पाता था ठीक है तो न्यू सीड्स सीड्स आर नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द फार्मर्स सीड्स आर नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द फार्मर्स तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है कि सीड्स को ना क्या कर रहे थे हम लोग रिप्लेस नहीं कर पा रहे थे और सीड्स को हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे और सीड्स हमारे लिए अवेलेबल भी नहीं था तो इसलिए हमने क्या किया कि सरकारी प्रयास अगर हम प्रयास यानी हमने उपाय में क्या क्या किए हैं तो सरकार ने सौ प्रतिशत एफ की मंजूरी दे दी है बीजों के विकास में मतलब बाहर वाला आकर भी कोई कंपनी बीज का विकास यहां कर सकता है ताकि सभी तक पहुंचो बीजों की जो मात्रा है वह बढ़े एक चीज तो यह है दूसरा एक कॉन्सेप्ट आया बीज गांव का सीड विलेज कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताएगा ध्यान रखेंगे सीड सीड विलेज विलेज आया में क्या है कि जो किसान होते हैं ग्रुप ऑफ फार्मर्स जो होते हैं गांव में उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि सीड्स को आप अलग जो मतलब सीड्स को विभिन्न जो फसल के सीड्स के प्रोडक्शन के लिए कैसे उसको आप उत्पादन उसका करेंगे ठीक है तीसरा आप आया सीड बैंक ठीक है सीड बैंक का कंसेप्ट भी आया जिसमें क्या होता है सीड्स को स्टोर किया जाता है, ठीक है तो सीड्स को स्टोर करिए और कभी मान लो कोई अनफोर्सिन सरकमिस्टांसेस आ गए कोई मान लो बि, मतलब विचित्र परिस्थिति उत्पन्न हो गई कोई अचानक से घटना हो गई तो उस समय उन बीजों का प्रयोग आप कर सकते ठीक है ठीक है चलो तो उपाय उपाय में क्या क्या है उपाय में क्या क्या है सरकार ने स्वचालित मार्ग से सौ प्रतिशत एफ को मंजूरी दी है ठीक है, यानी गवर्नमेंट किसके लिए तो बीज बीजों के विकास के लिए विकास के लिए पहला ठीक है दूसरा तो आप लिख सकते हैं गवर्नमेंट अलाउड अलाउड हंड्रेड परसेंट एफडीआई थ्रू ऑटोमेटिक रूट थ्रू ऑटोमेटिक रूट फॉर द सीड डेवलपमेंट फॉर द सीड डेवलपमेंट ठीक है पहला दूसरा क्या है जो मैंने आपको बताया सीड विलेज का कॉन्सेप्ट बीज गांव इसमें किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है किसानों को बीज उत्पादन का प्रशिक्षण जिससे वो अपनी और मान लो भविष्य में पड़ोसियों की भी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके क्लियर है एफडीआई मतलब है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसको लिख लो एफडीआई मतलब हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मान लो विदेशी कोई कंपनी आकर इन्वेस्ट कर सकती है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विदेशी कोई कंपनी आकर निवेश कर सकती है तो सरकार जो है अब सेंसिटिव कोई चीज हो मान लो बम बनाने का परमिशन तो नहीं देगी ना तो उसी प्रकार की बात है ठीक है हो गया ये सीड विलेज बीज गांव तो सीड विलेज का कॉन्सेप्ट भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बीज गांव का भी तो बीज गांव के माध्यम से ग्रुप ऑफ फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है ठीक है तो ग्रुप ऑफ फार्मर्स ग्रुप ऑफ फार्मर्स आर प्रोवाइडेड ट्रेनिंग आर प्रोवाइडेड ट्रेनिंग फॉर फॉर द या फिर टू प्रोड्यूस सीड्स प्रोड्यूस सीड्स टू प्रोड्यूस सीड्स टू प्रोड्यूस सीड्स ठीक है ये हो गया तीसरा है सीड बैंक सीड बैंक भी आया एक सीड बैंक सीड बैंक क्या है स्टोरेज ऑफ सीड्स और unforeseen circumstances, unforeseen circumstances, circumstances. तो so सीड यानी बीजों की बीजों को स्टोर करना बीजों का भंडारण भंडारण जिससे आपातकाल में मतलब आपातकाल मतलब राष्ट्रीय आपातकाल मत सोच लीजिएगा वैसा समय जिसमें आपको मतलब दिक्कत पहुंचती है जिससे आपातकाल में क्या हो समस्या ना हो मतलब ऐसा टाइम जिसमें आपको बीज, बीज नहीं मिल रहे हैं या कोई पेंडेमिक है इस तरह की चीजें ठीक है क्लियर जी, है जीन मारो रहेगा तो जेनेटिक डायवर्सिटी भी मेंटेन रहेगी क्लियर हो गया अब इसी सीट से संबंधित क्या है एक आपने पढ़ा होगा इसी सीट से संबंधित है ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ा है इसी सीट से संबंधित है ग्रीन रिवॉल्यूशन ग्रीन रिवॉल्यूशन तो ग्रीन रिवॉल्यूशन अलग से भी बीपीएससी में सवाल ग्रीन रिवॉल्यूशन से पूछता है ठीक है तो इसी सीट से संबंधित एक टॉपिक है इतना आपका सीट से समस्या हो गया तो कृषि से संबंधित समस्या पूछेगा तो एक आप लिखोगे भूमि और कृषि से संबंधित समस्या पूछेगा तो एक आप लिखोगे क्या एक आप लिखोगे बीज की समस्या तो कृषि से संबंधित समस्याओं में इन दोनों समस्याओं को आपको लिखना है ठीक है एक भूमि से संबंधित समस्या और एक बीज से संबंधित समस्या तो दोनों समस्याओं को लिख दोगे दोनों की उपयोगिता क्या है यह भी लिख दोगे दोनों निवारण कैसे करते हैं सरकार क्या कर रही है इसको भी लिख दोगे अब जो सीड बैंक में आप एक और चीज जो ऐड कर सकते हो वो क्या है जो सीड्स में नॉट सीड बैंक में जो कॉन्सेप्ट है एक ग्रीन रिवॉल्यूशन का तो हरित क्रांति भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है क्योंकि ये हम सीड्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसी से लेना देना है इसीलिए हम यहां पर आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन भी पढ़ा दे रहे हैं और ग्रीन रेवोल्यूशन अलग से भी एक सवाल जो है वो आपसे पूछा जा सकता है ठीक है क्योंकि इसमें हम लोग हाइब्रिड सीड्स का प्रयोग किए हैं हाई इल्डिंग वैरायटी यानी उच्च उपज देने वाली किस्म की जो हाइब्रिड बीज है उसका हमने प्रयोग किया है जिससे हम खाद्य उत्पादन को बढ़ा सकें ठीक है इसमें हमने फेज वन और फेज टू देखा है फेज वन जो है वह 1960 के मध्य से स्टार्ट होकर 1970 के मध्य तक था जिसमें हमने गेहूं चावल इत्यादि को क्या किया इत्यादि की पैदावार को हमने बढ़ावा दिया इससे लाभान्वित जो राज्य हैं वो आंध्र प्रदेश पंजाब और तमिलनाडु जैसे राज्य थे जिनके पास जो मतलब यहां पर क्या है किसान जो है थोड़े से अमीर टाइप के हैं तो इनको लाभ मिला फेज टू जो हमने इसका स्टार्ट करा वो 1970s के मध्य से लेकर 1980s के मध्य तक था जिसमें हमने अन्य बहुत सारे राज्यों को भी इसके अंदर शामिल करने का प्रयास किया और इसमें हम लोगों ने वीट और राइस के अलावा अन्य फसलों पर भी ध्यान दिया है ठीक है तो ये जो है ये हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति से संबंधित मामला है ठीक है तो याद रखना है देखिए ये पूछ रहा है हाइब्रिड ब्रिज के लिए उत्पादन बढ़ा देगा ये ये जो है वो चर्चा का विषय है जब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड जब पढ़ेंगे इसी में आगे तब हम आपको बताएंगे कि इसके प्रॉस भी हैं कॉन्स भी हैं तो इसका परमिशन मिलता भी है फिर चिंता है मिलता है चिंता है तो ये तो है ठीक है क्योंकि इसको लेकर पूरे अभी साइंटिफिक डेटा जो है वो हमारे पास क्लियर नहीं है प्यारे बच्चों तो इसको हम लोग लिख लेते हैं ठीक है ग्रीन रिवॉल्यूशन ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको कहते हैं It refers to high production of crops using using high yielding varieties and varieties hybrid seeds. मतलब क्या है मतलब है कि हरित क्रांति से तात्पर्य है से तात्पर्य है क्या तात्पर्य है भैया फसलों का फसलों को हाई प्रोडक्शन यानी उच्च फसलों का उच्च उत्पादन फसलों तो का उच्च उत्पादन उच्च उत्पादन उच्च उच्च किस्म वाली हाइब्रिड बीजों के माध्यम से हाइब्रिड बीजों के माध्यम से उच्च उत्पादन हाई लेवल हाई प्रोडक्शन ठीक है इसको दो फेज में हम बांट कर देखते हैं तो ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति को हम दो फेजेज में देखते हैं हरित क्रांति को हम दो फेजेज में देखते हैं एक फेज है कितना कब से कब तक तो मीड नाइनटीन से लेकर मीड नाइनटीन तक और दूसरा फेज है मीड नाइनटीन सेवेंटीज से लेकर मीड नाइनटीन एटीज तक दो फेज हो गया ठीक है पहले फेज में किस पर फोकस किया गया तो इसमें लिमिटेड स्टेट्स लिमिटेड स्टेट्स थे यानी सीमित राज्य थे सीमित राज्य थे दूसरा चावल तथा गेहूं पर फोकस फोकस ऑन राइस एंड वीट ठीक है इसमें आप उदाहरण दे सकते हो पंजाब तमिलनाडु आंध्र प्रदेश ठीक है तो पंजाब तमिलनाडु आंध्र प्रदेश ठीक है इधर लिख दो अगला जो है इधर क्या कर सकते हो मोर स्टेट्स, राज्य बढ़े गेहूं चावल के अलावा गेहूं चावल के अलावा अन्य चीजों पर भी फोकस गेहूं चावल के अलावा अन्य फसलों पर फोकस। तो नीचे जगह नहीं है इसलिए यहां लिख दे रहा हूं फोकस ऑन मोर क्रॉप अदर देन अदर देन राइस एंड बीट अदर देन राइस एंड बीट ठीक है अदर देन राइट राइस एंड वीट ठीक है समझ में आया अब इसी में हम लोग जो है आप हम लोग आगे पढ़ सकते हैं अगर एक दो विवाद आप पढ़ेंगे उसका उदाहरण दे देंगे जैसे एक पेप्सी बनाम पोटैटो फार्मर्स के बीच विवाद हुआ था सीड्स के मामले में ही ठीक है सीड्स के मामले में ही यह विवाद हुआ था तो यह जो अगर आपको पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हैं ठीक है? तो यह विवाद को आप यूज कर सकते हैं सीड्स के मामले में था पेप्सी बनाम आलू किसान ठीक है पेप्सी बनाम आलू किसान क्लियर है Pears को लेकर ही यह जो है मामला आया था पेप्सी बनाम आलू किसान विवाद यूज कर सकते हैं अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे अब जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे तो केस का नाम भी लिख देता हूं लिख लो केस पेप्सी बनाम पोटैटो फार्मर्स हुआ क्या था ना? कि मैं बता रहा हूं इसमें हुआ क्या था पेप्सी बनाम आलू किसान इसमें हुआ क्या था इस वाले मामले में कि पेप्सी ने एक जो आलू की ना एक जो हाइब्रिड वैरायटी होती है जिसका नाम था एफसी फाइव एफ सी फाइव, फाइव. ये आपको लिखना नहीं है बता दे रहा हूं मैं एफ सी फाइव इसको जो है ना ये हाइब्रिड वैरायटी इंडियन फार्मर्स को दे दिया क्योंकि पेप्सी जो है इस हाइब्रिड वैरायटी के माध्यम से करती थी क्या ये आईडी वैरायटी जो है वो किसानों को दे दी अब इसमें क्या होता था कि इसमें जो है ना वह नमी कम होती थी जिसके कारण जो ये पोटैटो चिप्स होता है ना पेप्सी लेज पोटैटो चिप पेप्सी लेज पोटैटो चिप्स जो आलू का चिप्स होता है वो अच्छा बनता था तो इस हाइब्रिड सीड्स के कारण मॉइस्चर कम होता था जिसके कारण क्या होता था कि जो चिप्स है वो बढ़िया बनता था तो यही जो सीड्स है ना इसने किसानों को दे दिया ठीक है अब क्या है कि किसान जो है वह कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी इसी सीड्स का प्रयोग करते रहे मान लो पेप्सी एक लेज कंपनी है मान लो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है किसानों के साथ कि भाई आप मुझे लेज मुझे लेज बेचते हैं आप लोग देखे होंगे लेज तो लेज के लिए मुझे इतनी आलू चाहिए और इस आलू के लिए आप इस बीज का प्रयोग करिए क्योंकि इस बीज में नमी कम होती है तो मेरे लिए अच्छा है तो किसान ने इस बीज के माध्यम से आलू पैदा किया और आलू जो है वो पेप्सी को दे दिया कि लेज आप, आप पैकेट में बनाकर बेचो फिर क्या हुआ किसानों के साथ पेप्सी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो फिर पेप्सी जो है वह कह रही है कि किसान जो है अभी भी मतलब उस समय की बात है उसके बाद भी एपसी फाइव का इस्तेमाल कर रहे हैं यानी मेरी दी हुई जो चीज है मान लो कि मैंने आपको एक किताब दिया अब उस किताब को या फिर आपने मेरे लिए कुछ टाइप किया अब आप क्या है मेरे को जब छोड़ोगे तब दूसरे को वो जाकर थोड़े दे दोगे टाइपिंग वो तो मेरे के लिए किया था मैंने उसका आपको पे कर दिया था और आप क्या कर रहे हो जब आप मुझे छोड़ दिए तो आप दूसरे को वही क्वेश्चन दे रहे हो वही कंटेंट दे रहे हो मान लो मैंने ये टाइप करवाया इतना सारा लिखा हूं आज और क्या हुआ टाइप कराने के बाद आप क्या कर रहे हो कि आपने मुझे टाइप करके दे दिया और जब मेरे से आपका काम खत्म हो गया आपने मेरे से पैसा ले लिया आपने यही चीज दूसरे को दे दी अब पता चला सेम ही चीज़ कोई दूसरा भी पढ़ा रहा है तो वो नुकसान है तो यही चीज पेप्सी ने भी कहा कि आलू किसान कर क्या कर रहे हैं एफ सी का प्रयोग अभी भी कर रहे हैं और वह दूसरे किसानों को चीजें जो है वह बेच रहे हैं तो इसके लिए पेप्सी ने क्या किया केस कर दिया लेकिन बाद में शिकायत जो है गुजरात के फार्मर्स पर केस किया था बाद में शिकायत जो है वो वापस ले लिया 2019 में वापस ले लिया 2021 में क्या हुआ कि सरकार ने पेप्सी का जो ये पोटैटो का वैरायटी है ना ये वाला इसी को कैंसिल कर दिया यह बोलकर कि पेप्सी ने इस वैरायटी को जब अपने नाम से रजिस्टर कराया तब पेप्सी ने उचित डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है जैसे मान लो कि मैंने ये पूरा लिखा है कागज में यहां पर पूरा लिखा अब मान लो इसको मुझे रजिस्टर कराना पड़ेगा और रजिस्टर कराने के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि भैया ये मेरा चीज है मैंने लिखा है अपने से अब मैं इसको अगर नहीं बता पाऊंगा और ये क्लेम करूंगा कि ये मेरा है तो क्या होगा ये मेरा थोड़े माना जाएगा तो वैसे ही बात है सरकार ने इसका कर, जो लाइसेंस है पी का इसको लेकर एपसी को लेकर वो कैंसिल कर दिया तो मामला ठीक है ठीक है तो पंजीकरण ही रद्द हो गया ठीक है तो ये है बात मिड नाइट अठारह अस्सी के नीचे क्या लिखे हैं अभी तो नोट मिल जाएगा टेलीग्राम में तो मिड अठारह सौ सत्रह सो मोर स्टेट राज्यों की संख्या बढ़ गई पहले जो राज्य थे वो बस सीमित थे तमिलनाडु आंध्र प्रदेश अब इसमें बढ़ी बढ़ा दी गई राज्यों की संख्या ये लिखा हुआ है ठीक है नोट्स जो देंगे तो और भी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी क्लियर है चलिए आपके नोट्स को सेंड भी कर दिया जा रहा है चलिए थैंक यू